हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिफ्ट टू पीआर। सो गाइस, आपको जैसे कि पता हमारी बिगिनर सीरीज खत्म हो गई है और अब इंटरमीडिएट सीरीज हमारी चल रही है। दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बैक एंड ट्राइसेप की और चेस्ट की। आज हम करेंगे बैक की एक्सरसाइज और बैक में भी क्या करेंगे कि आज मैं आपको एडवांस एक्सरसाइज दिखाऊंगा सारी। इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं, एडवांस भी कर सकते हैं। उसे टॉप 5 या टॉप 6 एक्सरसाइज रहेंगी। इसमें भी सेट भी मैं आपको बताऊंगा, सुपर सेट क्या है, सुपर सेट भी रहेंगे। एक आधा एक्सरसाइज का सुपर सेट भी करेंगे, इससे कि हमारी बैक की थिकनेस और फिर ज़्यादा बढ़े, ठीक है। और आज से मैं कोर की वर्कआउट की वीडियो भी डालना शुरू करवाऊंगा, शॉर्ट्स डलेंगी कोर की, तो उसे भी लव और उतना सपोर्ट दें और डाइट वगैरह अपनी लेते रहें। और आलू दही आपको 10 मिनट पहले खानी है, प्री वर्कआउट मील मैंने बताई थी। और कुछ चेस्ट की वीडियो में थोड़ा बहुत कुछ मिस हो गया है, वो जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था तो मैं वैसे नहीं बता पाया सारी चीज़ें क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब हम वर्कआउट आज बैक का करेंगे। अगर थोड़ी सी आज मेरा माइक भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, माइक भी मैंने दूसरा लेने के लिए ऑर्डर डाल रखा था माइक, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कभी आप कहोगे यार भाई की आवाज़ नहीं आ रही, भाई का ये नहीं आ रहा, एक्सरसाइज पूरी दिखेंगी, पूरी नीचे उनका मेंशन रहेगा, सब कुछ देख के समझ लेना। और हाँ, मेरे कुछ भाई लोग हैं वो मेरी ये कह रहे हैं कि हमें भाई क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ, भाई तुमने बिगिनर सीरीज में क्या बनाया है। तो भाई एक बार बताओ, आप बिगिनर सीरीज को मैं आप देखो, मुझे खुद को तो करनी पड़ेगी, अगर मैं खुद नहीं करूँगा तो आपको कैसे पता चलेगा। वो मुझसे ये कह रहे हैं कि तू भाई खुद ही करता रहता है, खुद ही खुद में तो करूँगा, जब भी तो आपको पता चलेगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है क्या करना है। अगर मैं आपको हर चीज़ साइंटिफिकली नहीं बता रहा हूँ तो आप मुझे बताओ मेरी गलती कहाँ है, ठीक है। कुछ लोग मेरे हेटर्स हैं, वो अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं चैनल को, तो ये गलत है, ये सब काम नहीं करते हैं। अगर आपसदारी में आप ये सब काम करोगे, भाई भाईचारे में काम करोगे, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा मतलब प्यार बनाए रखें, थोड़ा सबर करें, पेशेंस रखें। अगर पेशेंस नहीं होगा ना तो ऐसे वर्कआउट नहीं हो पाएगा और ना ही मैं अपना चैनल आगे बढ़ा पाऊंगा। आप चाह रहे हो कि और इन्फ्लुएंसर बढ़ जाएं, ये जो छोटे मोटे बन रहे हैं ये सब नीचे रखते रखे रह जाएं, ऐसा नहीं होता। हम भी मेहनत कर रहे हैं और शायद हो सकता है उनके जितनी ही मेहनत कर रहे हो, बस खाने पीने का डिफरेंस होता है, सोने का, बाकी सब चीज़ हमारी भी बराबर है, देना सब हम भी उनसे डबल ही दे रहे हैं। जो भी है, जो वो भी 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं महीने का, वो भी हमारा हो रहा है, हमारी तो सैलरी से भी ऊपर का खर्चा है। मैं फिर भी पूरा अपना हौसला बढ़ाकर सेल्फ मोटिवेशन की, हाँ भाई चलो देखना है कि तो चैनल उठेगा, थोड़ा सा करो यार सपोर्ट दिखाओ। उसकी चेस्ट की अच्छी वीडियो बनाई है, टॉप 5 एक्सरसाइज देखो जाकर चेस्ट की विड्थ बढ़ाने। तो बस मेरा इतना ही कहना था, ठीक है, अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डेडलिफ्ट से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको डेडलिफ्ट का पोस्टर दिखाऊंगा, इसके लिए मेरे भाई को डेडलिफ्ट अपनी इंक्रीज करनी है, वो कैसे इंक्रीज करें और क्या क्या फॉर्म और क्या क्या टेक्निक्स है वो सब चीज़ दिखाऊंगा मैं। अब डेडलिफ्ट को कैसे फॉर्म बता देंगे, इंटरमीडिएट और एडवांस को डेडलिफ्ट आती है मैं मानता हूँ, और हमारे सीरीज का बिगिनर हो सकता है बिगिनर भी बोलते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर रोड बनी है बड़ी, और अपने पैर जो है अपने खुद को दौड़ के नीचे से निकालना है, ठीक है, और अपने नीज आगे करने, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या करते हैं अपने हिप्स को रखते हैं पीछे। अभी वाली टेक्निक मैं यूज़ करूँ, सबसे पहले अपने नीज आगे तरफ रखते हैं, बैठना ये करेंगे और ये खास बात को क्या ध्यान रखना है, अपनी कोर और अपनी लोअर बैक को टाइट रखना, लूज नहीं छोड़नी, टाइट रखनी है, अपनी तरफ परफॉर्म करना डेडलिफ्ट। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है डेडलिफ्ट। तो मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक अपनी एक्सरसाइज दिखा दूंगा, दो एक दो सेट, बाकी मैं फिर प्रैक्टिस करूंगा, फिर हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दिखाएंगे। हमारा पार्टनर है वीडियो में, ये भी आएगा, तो मैं आपसे इसके थ्रू आपको पोस्टर दिखाऊंगा कि कैसे करेक्ट करना है। चलो भाई देखो कि मेरे पार्टनर ने कैसे डेडलिफ्ट करी है, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से डेडलिफ्ट को परफॉर्म कर रहा है। चेस्ट अप, फेस ऊपर की तरफ, जब भी आप हैवी सेट मारो ना, ये बात हमेशा याद रखना कि पहले अपर बॉडी को नीचे फिर लोअर उठेगी, तो उसके लिए आपको ऊपर की तरफ देखना, ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में देखना उठाओगे तो थोड़ा कुछ जुड़ना ही वेट होगा उठ जाएगा। और इच्छा टेक्निक यूज करके देखना, मेरे गुरु जी की बताई हुई है। हमारी पहली नंबर की एक्सरसाइज डेडलिफ्ट खत्म हो चुकी है और उसमें मैंने पोस्टर जो जैसे ही बताया है, अगर आपको लगे कि कुछ कसर रह गई हो तो मुझे बता देना, तो वैसे ओवर लोड तक 160 जाएंगे, 5-5 रैप मारेंगे सारे सेट पे, ठीक है, वार्म अप के लिए। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी पुल डाउन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें रोड हमारी जो है अगर ये वाली है तो औरों की जिम में
तो सबसे बेस्ट है, वरना अपनी बड़ी रोड से वाइड ग्रिप से भी आप कर सकते हो। हमें टारगेट अपनी ज़्यादा था अपनी बिंग्स करनी है टारगेट, इससे कि थोड़ी हैवी दिखे और उनकी बिंग बने, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, मेरी खत्म कैसे ग्रिप को आप यहाँ से बोल रहे अपने इसमें लेट्स को प्रॉपर खुलने देना। अगर जिस किसी भी मेरे भाई के जिम में ये वाली नहीं है और अगर वो इससे नहीं करना चाहता स्ट्रेट वाली रोड से, तो बाइसेप वाली रोड आती है ना छोटी वाली जो केबल में लगती है, उसे लगाओ। और जो चेस्ट वाले वो आते हैं पकड़ने वाले हैंडल्स, उन्हें एक इस कोने पे एक इस कोने पे, और फिर आप कर सकते हो। वो यही शेप पे फील आएगा मिड बैक पे, है ना। चलो उसके बाद आपको मैं थर्ड नंबर एक से दिखाऊंगा, मैं सेट पूरे कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और हमारी थर्ड एक्सरसाइज है डी बार। अब इसको ड्रॉप कैसे करना, इस पर हम ड्रॉप सेट लेंगे डी बार में। ड्रॉप सेट में दिखाऊंगा वो होएगा चौथे नंबर का सेट। अभी हमें पहले सेट में 50 kg से स्टार्ट करना, अप टू 150 kg तक जाना डी बार में। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक वन प्लेट, थोड़ा थोड़ा वेट अपना कम करते रहेंगे एक मिनट निकालेगा। उसके बाद आपको पाँच पाँच सेट निकाल लें, एक मिनट का मूवी 5 रैप, एक मिनट का मूवी 5 रैप। तो मैं अभी प्लान 50 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस समय से आउट ऑफ प्रैक्टिस था। डेड लिफ्ट मैंने आज 160 मारी है, ज़्यादा हैवी नहीं गया, 260 था लास्ट किया। आज हम इसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आप ये देखना कैसे करना है, लफ्टी बार को लिफ्ट करना, ठीक है। साइड से देखो, बैक स्ट्रेट अंदर ओ, कमर अंदर रखेंगे, को टाइट रखेंगे, ठीक है। चेस्ट अप अपनी परफॉर्म करनी है और अपनी वी बार को बैली बटन का और चेस्ट के बीच में लाना, जिससे आपकी मिड बैक पर आए, ठीक है। तो दोस्तों हमारी कमर की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, वी बार पुल। अब हमें करनी है सिंगल हैंड केवल कुर्सी को रखना है, आपका पूरा ये हाथ स्ट्रेच तेज हो रहा है और यहाँ पूरा अपने पास आ जाए, तो आपका मतलब हाथ ऐसे बैक को अपनी छुपा कर रखना ब्रेथ से कुर्सी से, ठीक है। ऑफेंस को परफॉर्म करना सेट में, इसी के साथ हमारा एक सुपर सेट होगा सिंगल हैंड डंबल। अब वो इसके एक सेट के बाद करना है, वो हमारा कैसे करना है वो हैवी रहेगा, एक डंबल से करना है। ये जो है अपनी वेट बढ़ता रहेगा हर सेट में, 12-10-8 12-10-8। सारी एक्सरसाइज होकर रैप सेट जो है हमारे सेम ही रहते हैं, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो इंटरमीडिएट हो। वो हाइपरट्रॉफी और आइसोमेट्रिक और ये सारी जितनी एक्सरसाइजेज है हमारी वो अलग होती हैं, अलग रेंजेस होते हैं सेट्स के। तो वो मैं आपको बात दिखाऊंगा कैसे करना है, क्या क्या कब रैप ज़्यादा मारने हैं। अभी फिलहाल हम अपना बेसिक उस पर इंटरमीडिएट लेवल पर ध्यान देते हैं और ये सुपर सेट है बैक का, बैक के भी तो बढ़ाने का सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, तो आप इसे ज़रूर करें, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है भाई। चलो मैं स्टार्ट करके दिखाऊँ, एक हाथ से कस लगाने हैं, ठीक है। बैक फ्रॉम मी, जैसे कि आपने देखा 10 लगाने बिल्कुल फ्री लेकर, ठीक है। पर अपना कोशिश ये करना तो टेबल को स्लो डाउन छोड़ो, मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ कि मुझे आदत है और मेरा बिल्कुल प्रेशर आ रहा पीछे बैक की तरफ। और मैं आपको सिंगल हैंड डंबल से दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज इसके साथ कैसे परफॉर्म करनी है। ऊपर सेट होगा, ठीक है। तो ऊपर सेट होगा हमारा सिंगल हैंड डंबल, वेट भी इसमें सेम ही रखना, बैक अंदर की तरफ रखनी है, कमर मोड़ देनी है, अपनी बेंच को रिक्लाइन कर लें सपोर्ट के लिए, लेट बेंच पे नहीं करनी, रिक्लाइन बेंच पे करना है वाला साइड।
इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करना है, डंबल आपका आगे जाएगा और आगे से इसके साइड में आएगा, इसके पास में, ठीक है, गलत नहीं करना कभी, यहाँ लाओ इसके पास। तो भाई 14 नंबर की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, और लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे है आपकी हाइपर एक्सटेंशन लोअर बैक के लिए। अभी कैसे करनी है, 10 किलो की प्लेट लेनी है, 5 नंबर पर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करना है, मैं तो 5 नंबर पर सेट करता हूँ सर, ठीक है। प्लेट जैसे मैं होल्ड करूँगा वैसे होल्ड करनी है प्लेट, ठीक है। तो 15 रैप्स के 3 सेट लेने हैं, पूरा नीचे इसमें जाना नहीं है, मैं पूरा पीछे बैंड होगा, एक एंगल से मेंटेन रखना, कैसे नीचे आओगे यहाँ तक, बस पूरा यहाँ तक नहीं, यहाँ तक और यहाँ से ऊपर इतना आगे इतना, ठीक है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना, इतना जाना है कि आपके बैक पे लोड रख पे ज़्यादा लोड ना पड़े स्ट्रेंथन करने के लिए, सबसे बेस्ट रह जाए सेंटर। दोस्तों हमारा बैंक का वर्कआउट सक्सेसफुली खत्म हो चुका है, टॉप 5 एक्सरसाइज मैंने दिखाई हैं, बढ़िया दिखाई हैं सारी, उसे आप करें, आपको जरूर रिजल्ट आएंगे अच्छे। और हम मैंने आपको बाहर भी प्रोडक्शन में बोला था कि मैं आपको कोर एक्सरसाइज दिखाऊंगा, तो हमें ये वाली कोर एक्सरसाइज अपने डिक्लाइन मशीन पर परफॉर्म करनी है, जो डिक्लाइन बेंच है ना, डिक्लाइन बेंच प्रेस, उस पर परफॉर्म करनी, क्योंकि इस पर अच्छे से पूरा फील आता, पूरे एब्स ना वही कोर स्क्वीज होती है, उस पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो 20 के 3 सेट है और ये लोग सेट अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम लोग ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं, अपने हाथ याद रखने और पूरा दूसरे के रेट ना ठीक है। ठीक है, पूरा नीचे नहीं लगाना चाहिए, वो तुम्हें पता है पूरा नीचे रखने से क्या होता है, बॉडी में पोज आ जाता है, पोज की वजह से क्या होता है, हमारी ये वाली मुझे थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मौका मिल जाता है, हमें रिलैक्स नहीं करनी, कंटिन्यू 20 लगाने हैं, तो ऊपर ही नीचे जाकर थोड़ा स्टॉप हो जा रहा है जिस पोजिशन में आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक्सरसाइज अपनी दिखा चुका हूँ, बोर्ड की डिक्लाइन क्रंचेस, वो कैसे करना है आपने देख ही दिया होगा। अब आपकी सेकेंड एक्सरसाइज होगी, लास्ट एक्सरसाइज होगी कोर की, हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज मानेंगे पर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इफेक्टिव है, ठीक है। आपको ऐसे एक नॉर्मल आपके बार होनी चाहिए जिसमें आप बार डिप मार सको, ट्राइसेप से जैसे मार करो, चेस्ट डिप और बार डिप, वो वाली मशीन होनी चाहिए, इस पर आपको होल्ड करना है और लेग रेज परफॉर्म करने हैं, और ये होंगे हमारे 15 के 3 सेट, ठीक है। अब ये कैसे करना है, तो जिसके लिए मेरे भाई के जिम में ये बार डिप ना हो तो वो फ्लोर पे भी कर सकता है, फ्लोर पे पूरा स्ट्रेट सीधा लेटना है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना, मैंने एक वीडियो बना रखा है, अपने हाथ इसके नीचे रहेंगे और फिर दोनों पैर उठा लेंगे, ठीक है।